पंजाब सरकार नूं अज उस वेले वड्डा झटका लगा जदों पंजाब विच शराब सस्ती करन वाली एक्साइज पॉलिसी लागू करन ते सवाल खड़े हो गए ने। हुण इह मामला पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच पहुंच गया। हाई कोर्ट वल्लों इस नवीं आबकारी नीति बारे की फैसला आउंदा है इह तां अगले एक दो दिनां विच पता लगेगा, पर हाल दी घड़ी सस्ती शराब दीआं आसां ते पाणी फिरदा नज़र आ रिहा है। भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार की नवी एक्साइज पॉलिसी खिलाफ पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट विच चार पटीशनां दायर कीतियां जा चुकियां ने। सस्ती शराब वाली पॉलिसी खिलाफ दायर की गई पटीशन बारे जानकारी दिंदियां हाई कोर्ट के एडवोकेट मोहन जैन ने दस्या कि इस नवी एक्साइज पॉलिसी विच एक्साइज एक्ट 1914 अते पंजाब लीकर लाइसेंस एक्ट 1956 की उलंघना की गई है। उन्हां दा कहना है कि इस नवी आबकारी नीति नाल शराब दे कारोबार ते कुछ विशेष कंपनियां दा ही कब्जा हो जाएगा। इसे तरह एक होर पटीशन विच हाईवे उपर ठेके देण ते सवाल खड़े कीते गए ने। इस पटीशन विच दोष लाया है कि हाईवे उपर ठेके देण नाल दुर्घटनावां विच होर वाधा होवेगा। इस तरह हाई कोर्ट विच भगवंत मान की नवी एक्साइज पॉलिसी खिलाफ चार पटीशनां दायर हो गईआं ने, जिन्हां ते जल्दी ही हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस नाल पंजाब विच शराब सस्ती होण दीआं अटकलां एक वार तां धरियां धराईआं रहण दी संभावना बन गई है, पर सरकार दी नवी नीति 1 जुलाई तों लागू कीती जा रही है, पर उस तों पहलां अदालत दे फैसले दी उड़ीक कीती जा रही है।